अस्सलाम वालेकुम आदाब नाज़रीन, शुभम चैनल डोडा से मैं आपका मेज़बान इदरीस फलाही आप सब लोगों की जानकारी के लिए बताना चाहूँगा गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज डोडा के अंदर मौजूद हूँ। आप सबको मालूम है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज डोडा अपने मराहिल से गुज़र करके अब कई बुलंदियों की तरफ जा रहा है। जिस तरीके से आपको मालूम है कि GMC से एसोसिएटेड हॉस्पिटल के अंदर कुछ लोगों की शिकायत भी दर्ज होती हैं, इन तमाम चीज़ों को हॉस्पिटल मैनेजमेंट ने भांप लिया और मैनेजमेंट ने ये फैसला किया कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज डोडा के जितना भी स्टाफ है, चाहे उसमें नर्सेज हैं, कंप्यूटर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, सर्जन्स हैं, फिजिशियंस हैं, यानी जो भी काम कर रहे हैं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज डोडा में, उन्हें इस तरीके का एक ट्रेनिंग प्रोग्राम मैनेजमेंट के हवाले से कराया जाए जिस पर वो सब लोग उस सिलसिले में किस तरीके से पेशेंट्स के साथ बिहेव करना है वगैरह, वो सारी चीज़ें उनमें सिखाई जाएंगी। तो आज स्टेट लेवल मैनेजमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम MDP ये कराया जा रहा है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज डोडा में, और इसमें आज जो यहाँ के मेहमान खसूसी थे डॉक्टर यशपाल शर्मा जी, डायरेक्टर कोऑर्डिनेशन न्यू मेडिकल कॉलेजेस, नर्सिंग कॉलेजेस एंड पैरामेडिकल कॉलेजेस जम्मू एंड कश्मीर, प्रेसिडेंट हैं ये एसोसिएशन ऑफ हॉस्पिटल इंडिया के, AHA इंडिया। अब इन्हीं से पूरी जानकारी आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले सर मैं आपको शुभम चैनल में और साथ ही अपने डोडा में भी इस्तकबाल करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जैसे आपने फरमाया कि आज यहाँ पे 2 दिन का मैनेजमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम हो रहा है, ये प्रोग्राम एक सीरीज़ ऑफ प्रोग्राम है जो हमने पूरी स्टेट में शुरू किया है, और हमें हमारी यही कोशिश है कि ख़ास तौर पर डॉक्टर्स, पैरामेडिक्स और नर्सेस, इनको एक छोटे छोटे कैप्सूल बना के थोड़ा सा बताया जाए कि मैनेजमेंट डेवलपमेंट होती क्या है, कैसे हो की जा सकती है इन लोगों की, ताकि जो हॉस्पिटल में हमारा बेसिक फोकस होता है पेशेंट पे या पेशेंट केयर पे, तो उस पेशेंट केयर को जहाँ कैसे इम्प्रूव किया जाए और ख़ास तौर पर पेशेंट्स को कैसे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा पहुँचाया जाए, उसके लिए हमारी इन ट्रेनिंग प्रोग्राम्स के द्वारा एक कोशिश है कि हमारा जो स्टाफ है उसमें चाहे हमारे डॉक्टर्स हैं, चाहे कुछ पैरामेडिक्स हैं, चाहे नर्सेज हैं, उनको ट्रेन किया जाए, उनको बताया जाए कि उनमें क्या मैनेजमेंट स्किल्स होनी चाहिए इन पेशेंट्स के साथ डील करने के लिए। जैसे आपने कहा कि बहुत सारी शिकायत भी होती हैं, ज़्यादातर छोटी मोटी चीज़ें होती हैं कि पेशेंट और डॉक्टर्स की या डॉक्टर्स की और नर्सेज की या जो लोग बाहर से आते हैं उनके साथ अटेंडेंट उनके साथ जो है आमतौर पर छोटे मोटे झगड़े हो जाते हैं जो कभी कभी बड़े झगड़े का भी एक रूप ले लेते हैं, तो उन सब से कैसे निजात पानी है वो सब आज हम इन 2 दिनों में बात करेंगे। हॉस्पिटल में इन्फेक्शन को कैसे कंट्रोल करना है, हॉस्पिटल में कन्फ्लिक्ट कैसे मैनेज करनी है, हॉस्पिटल में पेशेंट को सप्लाईज ड्रग्स कैसे देनी है, और इस तरह के बहुत सारे टॉपिक्स हम दो दिन में कवर करने की कोशिश करेंगे, और कोशिश करेंगे कि इन लोगों को इसमें ट्रेन किया जा सके, इनकी स्किल्स जो हैं डेवलप की जा सकें। तो ये प्रोग्राम हमारा 2 दिन का यहाँ है जो कि हमने अर्सवाइल डोडा के लिए किया है। इसमें जितने भी हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशंस जो हैं, चाहे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हैं, जहाँ हमारे पेरिफेरल इंस्टीट्यूशंस हैं डायरेक्टरेट के, वहाँ से भी डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज जम्मू ने लोग भेजे हैं, और ये तकरीबन आज 120 कैंडिडेट यहाँ पे आए हुए हैं और दो दिन यहाँ रहेंगे। ऐसे प्रोग्राम हमने स्टेट में अभी तक, ये 12वां प्रोग्राम है हमारा, तो तकरीबन 1200 नर्सेस और 500 के करीब डॉक्टर्स को हमने ऑलरेडी ट्रेन कर दिया हुआ है। तो मैं आपसे सर ये भी जानकारी लेने की कोशिश करूँगा, जो इस वक्त यहाँ पे डेलीगेशंस भी आए हैं कुछ लोग, ये डेलीगेशंस कहाँ कहाँ के थे और इन डेलीगेशंस के साथ किस तरीके की बातचीत की जाएगी और उन्हें किस तरीके से मोटिवेट किया जाएगा कि वो पेशेंट्स और उनके अटेंडेंस और बाकी जितने भी मैनेजमेंट हैं वो किस तरीके से आपस में तालमेल अच्छा बनाएं। देखिए, ये जैसे जिनको आप डेलीगेट्स कह रहे हैं वो हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं। ये मैंने आपको बताया कि हमारे जितने भी हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशंस हैं, पेरिफेरल इंस्टीट्यूशंस हमारे, चाहे वो रामबन में हैं, चाहे डोडा में हैं, चाहे किश्तवाड़ में हैं, वहाँ से सिलेक्टेड लोग आए हैं ताकि वो यहाँ से ट्रेन हो जाएं और आगे जाके लोगों को ट्रेन करें। तो हमारा फोकस ये रहेगा कि हम उनको ट्रेन करें, ट्रेन करके जो है उनको कहें कि वो आगे भी जाके इसको बात करें इसके बारे में। तो इन 2 दिन में हमारा मेन जो ट्रेनिंग का फोकस है वो है
इनमें कुछ मैनेजमेंट डेवलपमेंट स्किल्स बनाई जाएं कि भाई पेशेंट अगर आपके पास आता है तो पेशेंट के साथ कैसे बात करनी है, कैसे बर्ताव करना है, कैसे उसको डील करना है, उसको पेशेंट वार्ड में कैसे रखना है और उसको दवाई कैसे टाइम पे देनी है, डॉक्टर्स और नर्सेज को आपस में कैसे कोऑर्डिनेट करना है, कोशिश कैसे करनी है कि इन्फेक्शन कम से कम हो जाए, तो कन्फ्लिक्ट अगर हो जाए कोई किसी पेशेंट के साथ तो उसको कैसे मैनेज करना है। तो ये सब मुद्दे जो हैं हम दो दिन में डिफरेंट एक्सपर्ट्स हमने बुलाए हुए हैं, इसमें कुछ एक्सपर्ट्स हमारे लोकल भी हैं, कुछ जो हैं जम्मू से आए हैं, कुछ हमारे नेशनल लेवल के एक्सपर्ट्स भी जुड़ेंगे। जिसमें मैंने आपको बताया कि हमारी एक एसोसिएशन ऑफ हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन है जिसकी एक अकेडमी है बाकायदा नोएडा में, जिसमें तकरीबन 2500 एक्सपर्ट्स ऑल ओवर कंट्री हैं, तो बैक एंड कॉल पे वो रहते हैं हमारे और कभी उनसे भी यहाँ लेक्चर जो है टाइम टू टाइम दिलवाए जाएंगे। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया डोडा में आने के लिए और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज डोडा में इस तरीके का फंक्शन अटेंड करने के लिए, क्योंकि सर ये वक्त की ज़रूरत थी। काफ़ी सारी शिकायत हमारे पास भी दर्ज होती रही हैं और हमें खुशी हुई कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज डोडा ने इसका बड़ा संज्ञान लिया, तवज्जो दी इस चीज़ पर कि लोगों के साथ वाकई इस तरीके से हो रहा है। और हमें उम्मीद है कि आज का ये जो प्रोग्राम है दो दिन का, इसके बाद हमारी जो JMC का स्टाफ है उसमें कुछ बदलाव आने को मिलेगा। मैं हमारे साथ इस वक्त गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज डोडा के जो इस वक्त प्रिंसिपल हैं नूर अली साहब, इनसे भी थोड़ा जानकारी लेने की कोशिश करेंगे। सर मैं आपसे यही जानने की कोशिश करूंगा, आज जो डॉक्टर यशपाल शर्मा जी खसूसी तौर पर यहाँ पे बुलाए गए हैं, किस तरीके से आपने ये मुनासिब समझा कि इस तरीके का प्रोग्राम JMC डोडा में होना चाहिए और आज आप कर रहे हैं? जैसा कि आपने अभी सुना डॉक्टर यशपाल ने फरमाया कि इसमें मल्टी लेवल पे डिस्कशन होगी, इम्पॉर्टिंग ट्रेनिंग होगी, अपने पैरामेडिक्स सारे आए हुए हैं, रामबन किश्तवाड़ डोडा प्राइवेट वाले भी सब आए हैं, इसलिए कि जस्ट टू गेट द इंफॉर्मेशन। ये कंटिन्यूस प्रोसेस है ये एजुकेशन का जो चलता रहता है और उसी सिलसिले में हमने आज ये कॉन्फ्रेंस दो दिन की रखवाई थी। एंड वो जो इसका जो है जो मकसद है कि पेशेंट को ट्रीटमेंट कैसे बेहतर दिया जाए, कैसे अपना जो है उनकी शिकायत को कैसे निपटारा किया जाए और जो है जो अपनी हेल्थ प्रोवाइडर्स वो बेहतर तरीके से अपनी सर्विसें दे पाए हैं, तो यही मकसद था। और ये प्रोसेस यही नहीं ख़त्म होता, इसको फिर रिवाइज करने की ज़रूरत है। ये लोग अपने आगे डिफरेंट हेल्थ जो हैं हमारे सेंटर्स उनमें जाके अपनी जो यहाँ की सीखी हुई बातें उनको इम्प्लीमेंट करेंगे और इससे आम पब्लिक का बेहतरी होगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमें जानकारी देने के लिए। नाजरीन JMC यानी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज डोडा के एसोसिएटेड हॉस्पिटल के मुंतजमीन में सबसे जो सरबरा हैं इस वक्त मेडिकल सुपरिटेंडेंट युद्धवीर, डॉक्टर युद्धवीर सर हमारे साथ बात करेंगे, क्योंकि जो प्रोग्राम आज हो रहा है ये मैनेजमेंट के हवाले से, और मैनेजमेंट ना सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट बल्कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज डोडा के अंदर जो स्टाफ काम कर रहा है उनके अंदर किस तरीके से बिहेवियर चेंजिंग्स वगैरह के प्रोग्राम पर आज ऑर्गेनाइज़ किया गया है। तो सर पहले तो मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज डोडा ने ये स्टेप आखिर उठा ही लिया कि डॉक्टर्स को उनके बिहेवियर के रिलेटेड थोड़ा सा, ऐसी बात नहीं है कि डॉक्टर्स का बिहेवियर बिल्कुल ही ख़राब है, लेकिन ये प्रोग्राम्स उनमें केयर और तवज्जो ज़्यादा दिलाने का काम कर दें, और आप इसके के लिए मुबारकबादी के मुस्तहिक हैं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज डोडा की पूरी मैनेजमेंट जिन्होंने ये कदम उठाया। तो किस तरीके से आपने ये पहले डिसाइड किया? थैंक यू वेरी मच, ये मैं शुक्रगुजार हूँ डायरेक्टर कोऑर्डिनेशन यशपाल सर का और प्रिंसिपल JMC डोडा के कि इन्होंने जो एक कोलेबोरेशन में जो है एक ये जो मैनेजमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम है वो ऑर्गेनाइज़ किया हमारे लिए, और बाकी जो डिस्ट्रिक्ट के जैसे रामबन किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट के और पेरिफेरल इंस्टीट्यूशंस के नर्सेस पैरामेडिकल स्टाफ या ट्यूटर्स वगैरह के लिए, तो होप कि ये जो है ये बेनिफिशियल रहेगा, क्योंकि होता क्या है कि हमें जो है ये जो स्किल्स जो बेसिकली यहाँ पे हम बेसिकली आज बात करेंगे और कल बात करेंगे, तो ये जो है ये हमारी पढ़ाई के करिकुलम का हिस्सा नहीं होते हैं। ये यूजली जो है ये जैसे कन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट की बात है या
पेशेंट के ग्रीवेंस रिड्रेसल की बात है या बाकी भी इश्यूज़ हैं, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की बात है एंड मेडिकल नेगलिजेंस की बात है, तो ये जो है ये टॉपिक्स हैं ये नेगलेक्टेड ही रहते हैं, क्योंकि ये कोर्स और कैरिकुलम में किसी भी, चाहे वो हमारे नर्सिंग के लोग हैं पढ़ाई के दौरान, ट्रेनिंग के दौरान, या डॉक्टर्स हैं, इनको ये चीज़ें नहीं बताई जाती हैं। तो लोगों की एक्सपेक्टेशंस हमेशा जो है वो रहती हैं, कुछ और रहती हैं, और वो मिसमैच रहता है फिर। तो इसीलिए जो है ये सारा जो है प्रोग्राम जो है पूरा ट्रेनिंग का जो है वो सेशंस इसीलिए हैं, और इसमें छोटे छोटे जो है बेसिकली टॉपिक्स हैं जो रिलेवेंट हैं, उनको जो है बेसिकली 2-3 दिन के अंदर जो है वो लोगों को जो है में पढ़ाया जाएगा, डिस्कस किए जाएंगे, और बेसिकली ये जो है हम कोशिश करेंगे ये डाउन द लाइन बेसिकली बाकी लोगों को भी ये आहिस्ता आहिस्ता जो है चीज़ें ये वो की जाए, ताकि जो कंप्लेंट्स या ग्रीवेंसेस जो रहते हैं पब्लिक के अगेंस्ट हॉस्पिटल, अगेंस्ट डॉक्टर्स, अगेंस्ट जो स्टाफ है, तो वो जो है वो रिड्यूस हों। तो सर इसमें जिस तरीके से अगर देखा जाए आपने जो ये कदम उठाया है, क्या हम लोगों को यकीन के साथ कह सकते हैं कि इस प्रोग्राम के बाद जो अभी तक लोगों को मसाइल या बिहेवियर देखने को मिलता था उसमें कुछ हद तक बदलाव आएगा, क्या यकीन के साथ बता सकते हैं? देखें 100% तो किसी भी जो है इसका जो है गारंटी नहीं दी जाती कितना लोग जो है फॉलो करेंगे इस चीज़ को या इन चीज़ों को, बट ये है कि अगर ये जो है अगर लोग जो है अपना थोड़ा सा बिहेवियरल चेंजेस लाएंगे अगर इन चीज़ों को पढ़ के या इन चीज़ों को सुन के, तो आई थिंक कि भाई हमारा जो है कम से कम ग्रीवेंस जो है वो 80% 90% जो रिड्यूस हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया हम तक जानकारी पहुंचाने के लिए। नाज़रीन आपने देखा गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज डोडा के अंदर हम मौजूद थे, यहाँ पे आए हुए मेहमान खसूसी के साथ बातचीत करने के बाद गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज डोडा के प्रिंसिपल और मेडिकल सुपरिटेंडेंट के साथ बातचीत करने के बाद आप तक जानकारी पहुंचाई। देखते रहिए शोम जनरल डोडा, अपना मेज़बानी 30 फलाई को दीजिए इजाज़त, मज़ीद पेशकश करेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।